मैं हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के, जी हाँ, राधे राधे। और आज हमारी ट्रेन है सराय रोहिल्ला से, ये रही हमारी ट्रेन जो कि 4:15 बजे की है। धूप देखिए आप कितनी, ये रही हमारी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन है ये। 4:15 बजे से हमें पहले डायरेक्ट जी के पास में रेलवे स्टेशन है रिंगस, लेकिन हम जाएंगे श्री माधोपुर जो कि मेरी नानी का घर है। तो पहले हम आज वहाँ जाएंगे और वहाँ का भी आपको दिखाऊंगी व्यू, और फिर वहाँ से हम नेक्स्ट डे खाटू श्याम जी के लिए जीप या टैक्सी जो भी होगी मैं आपको बताऊंगी क्या बुक कर रहे हैं। आप ये देखिए गाइस, ट्रेन सच्ची में बहुत क्लीन है, साफ है, और मुझे तो लगता है थोड़ी फास्ट भी होगी। ये है ट्रेन, अंदर से भी दिखाती हूँ मैं आपको, चलिए हम वहाँ बैठे दिखाते हैं आपको। गाइस ये देखिए, ये हमने सीट्स ले ली है, ये मैम थोड़ी बिजी है आज, ये आज हम अपने भाई के साथ जा रहे हैं, ये हमारा ब्रदर वो अनिता, वो छोटा वाला ब्रदर, सब ने अपनी सीट्स ले ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और गाइस एक चीज़ और, हम आज रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं करा पाए क्योंकि ये एकदम सडन प्लान बना था, तो हम लोकल में ही सफ़र कर रहे हैं। तो आज आपको दिखाएंगे लोकल ट्रेन्स में कैसा रहता है हमारा सफ़र, तो आप इस सफ़र में हमारे साथ बने रहना। थैंक यू। वॉशरूम है, मिरर वगैरह भी लग रहे हैं, क्लीन है वॉशरूम, कुछ वैसे ट्रेन से बेटर है। और गर्मी है, बस देखो राजस्थान में हमें ज़्यादा गर्मी ना मिले। यह है सराय रोहिल्ला, और गाय है इसकी टिकट जनरल की, मतलब विदाउट रिजर्वेशन 100 है, अगर आप रिजर्वेशन कराते हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है, सेकंड सीट या स्लीपर जो भी आप लेना चाहते हैं। ये रहे मेरी सिस्टर है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार लोकल में, मतलब लोकल में ऐसी ट्रेन अभी देखते हैं, लेकिन लेट्स सी कैसे उतनी मिल गई है लोकल में, बट इट्स गुड। ये है छोटा वाला भाई, इसका भी चैनल है, अपना चैनल के बारे में बता। मेरा चैनल फैक्ट का है, और उसमें मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो मेरा चैनल चेकआउट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल का नाम बता। चैनल का नाम हंगरी फैक्ट्स क्यूब है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो क्लिक करके जरूर चेकआउट करना। ठीक है गाइस, इसका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए फर्स्ट टाइम विद माय बिग ब्रदर, कैसा लग रहा है आपको? ये मेरे लिए पहली जर्नी तो नहीं है, एक्चुअली मैं हर बार जाता रहता हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है इस ट्रेन में ट्रैवल करना, क्योंकि इसमें कंफर्टेबली ज़्यादा रहता है, और ये फिक्स टाइम पे आपको वहाँ तक पहुँचा देती है। बहुत ही अच्छा अनुभव है ट्रेन का, और ज़्यादा कुछ इसमें भीड़ भाड़ इतनी होती नहीं है, आप आराम से रिलैक्स होकर जा सकते हैं। चलिए आपके साथ ये सफ़र देखते हैं कैसे रहेगा। और ये जो हमारे मेन बंदे हैं घुमंतू गर्ल्स के, जो शांत बैठे हैं आज, हम इतने शांत क्यों बैठे हैं? कुछ बताएंगे? वर्क फ्रॉम होम। देखिए गाइस, ट्रेन में भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, डेडिकेशन देखिए अब काम का। चलिए हम गाइस, हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पे चल गई है, 4:15, और कैसा लग रहा है? पहली बार लॉकर से पकड़ा, देखिए लॉकर से लॉकर है। अभी तक तो सब सही चल रहा है गाइस, अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अभी तो खुले खुले हैं, बाद में पीछे ना हो। होप फॉर द बेस्ट। ये देखिए आप, ये तो सिर्फ 3 से 4 घंटे का सफ़र है, निकाल लेंगे। यस, इससे पहले भी हमने लोकल जाए धर्मपुर में। गाइस देखिए, दिल्ली कैंट आ गया है, थोड़ी सी भीड़ हो गई है, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, देखिए आप यहाँ पे लोग ज़्यादा चढ़ते हैं। अभी आगे और देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र गाइस।
देखिए गाइस, अभी हमने जिसे थोड़ा जी सही हो गया। कैसी लगी? ₹10 में ऐसे रास्ते में खाते पीते रहेंगे सही रहेगा। अभी बज चुके हैं 5:30 और हम पहुँचे हैं रेवाड़ी। हमारे 2 स्टेशन रह गए हैं, एक रह गए हैं नीमका थाना और एक नारनौल, उसके बाद हमारा श्री माधोपुरा है। गाइस देखिए, थोड़ी सी लेट हो गई हमारी ट्रेन, अभी 7:30 होने वाले हैं। नीमका थाना अब आया जो कि 7 बजे आना था और अब 1/2 घंटा और लगेगा। ये देखिए इसके बाल कैसे हो गए। ये देखिए लोकल सफ़र, ऐसे सफ़र करने पे ऐसे हो जाते हैं आपकी हालत। टू मच रश, अगर आप रिजर्वेशन कराएंगे तो ही, नहीं तो आप ऐसे जाना पड़ेगा। ऐसे एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए ऐसे समटाइम्स। गाइस हम आ गए हैं श्री माधोपुर, ये हमारी ट्रेन हमें पहुंचा दी है 7:45। अभी हम नानी के घर जाते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ भी। चलिए हम बहुत थक गए हैं, हमने ट्रैवल किया है और हमें सही लगा, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रहा है। चलिए चलते हैं। बढ़िया, वी रीच्ड श्री माधोपुर, फाइनली रीच्ड। अब हम चलते हैं अपनी नानी के घर, चलते हैं गाइस। चलिए, यह है रेलवे स्टेशन, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। गाइस हम यहीं वाले हैं, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट्स का। देखिए सब ऐसा लगता है 8 बजे सब यहाँ पे, सब शांति है, बहुत शांति लग रही है गाइस। ये शुरू हो गई यहाँ की आवाज़ें। यहाँ पे चीज की दुकान भी है और थोड़ा सा हम बस जस्ट अबाउट टू रीच, घर आने ही वाला है। ये है घर गाइस, देखिए ये है हमारा घर, नानी का घर। चलिए अंदर चलते हैं। मारो, ये हमें यहाँ पे बच्चे मिले हैं, इसका नाम क्या है? नाम बताओ अपना। तुम्हारी मम्मी का? उर्मिला। और पापा का? किशोर। अच्छा, देखिए क्यूट सा बच्चा है। हेलो गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग आज जा रहे हैं खाटू श्याम जी के, और मैं आपको अपनी नानी का घर दिखाते हैं एंट्री से। ये देखिए, ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। ये है मेरी मामी का रूम, ये दूसरा रूम है, ये रही मेरी मामी, मामी ये है, ये है मेरी मामी, हाय बोलो, हाय। ये रसोई है, ये भाभी है, मधु मम्मी है, भाभी हाय बोलो, ये सबसे बड़ी वाली भाभी है, इन्होंने हमें इतना टेस्टी आलू के पराठे बना के खिलाए। बाकी के रूम दिखाते, ये देखिए ये सबसे छोटी वाली भाभी काम कर रहे हैं कुछ। हम बचपन में आते थे यहाँ पे तो काफ़ी टाइम हो गया है। ये रूम्स हैं यहाँ के, ये वाली बीच वाली भाभी, हेलो बोलो भाभी, हेलो। और अभी बस हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं। हाँ, अभी हम बताएंगे कि हम बस करने वाले हैं या शेयरिंग टैक्सी, जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा, क्योंकि हमारे बजट ट्रिप्स होते हैं हमेशा से, तो हम चाहेंगे कि हम सारा कुछ बजट नहीं रहे
और ये ट्रिप बिल्कुल अनप्लान था, तो सब कुछ हम एट ए टाइम ही करने वाले हैं। तो चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने। जय बाबा। ये हमारे गाइस मामा जी है जो अभी हमारे साथ नहीं है। हम आज मैंने सूट पहना है और ये मुझे सुबह से चिढ़ा रहे हैं दोनों की दोनों, क्योंकि ये बोल रहे कि बेकार लग रही है, बेकार लग रही है। आप ही बताइए कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज। हाँ बताइए, लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं देखिए, मैं मुझे पूरा दिखाओ, देखिए मैंने पूरा सूट पहना है। गाइस देखिए, आज है जन्माष्टमी और आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। ऐसा हमें मामी वगैरह ने बताया है कि वहाँ बहुत भीड़ है, तो लेट्स सी वहाँ का कैसा है आज का दिन, और हम आपको दिखाएंगे पूरा। अभी हम देखते हैं, हम बस लेते हैं या हम शेयरिंग टैक्सी लेते हैं यहाँ श्री माधोपुर से, तो मैं आपको आगे बताऊँगी। गाइस डायरेक्ट खाटू श्याम की बस नहीं मिली हमें, हम पहले रिंगस जा रहे हैं इस बस से। इस बस का किराया मैं आपको बता दूँ कितना है। लोग खाटू श्याम जी के लिए आगे जो रास्ता है मार्ग खाटू मोड़, यहाँ से आगे के लिए आपको शेयरिंग जीप या टैक्सी या बस देखते हैं क्या है, चलते हैं। मौसम तो अच्छा है, थोड़ा क्लाउडी है और इतनी गर्मी नहीं है। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको हमारे देश आके। मारो देश इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यस, नॉट इवन मारो देश, एवरी देश। ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग्स हो रखी है जो कि काफी अट्रैक्टिव है। गाइस ये अब खाटू के लिए हम आगे एक और बस ले रहे हैं। इससे पहले जो बस ली थी उसका किराया था 20 रुपये, यहाँ का भी 20 है। तो चलते हैं आगे खाटू श्याम जी के। यहाँ से अब हम आगे जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए, तो वही खाटू श्याम जी। गाइस फाइनली हम खाटू श्याम जी के द्वार आ गए हैं। हम इस बस से आए थे, ये रही, इसमें 30 रुपये पर पर्सन सवारी लिए हैं और सही था हमारा सफ़र। अभी हमें बस दर्शन हो जाए अच्छे से। जय हो खाटू श्याम जी की, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा। हाँ, चलिए चलते हैं। काफ़ी लोग आए हैं, बाकी अंदर आते हैं आपको। गाइस देखिएगा किसी ने मन्नत मांगी होगी तो वो ऐसे जाते हैं। बड़ी मान्यता है वैसे खाटू श्याम जी की, एक बार तो आना चाहिए। बचपन में आए थे पर याद नहीं है। यहाँ पे एक कुंड भी है जहाँ पे स्नान करते हैं। है खाटू श्याम जी का बाग, देखिए गाइस पूरा तकरीबन वो द्वार का जो द्वार है वहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे होगा, ज़्यादा नहीं है टेम्पल। स्टिल वी आर वॉकिंग, जस्ट अबाउट टू रीच। जय बोलो खाटू श्याम। ये कुंड का रास्ता है गाइस, अगर आपको स्नान करना हो।
तो आप कर सकते हैं। बस कुछ देर और हम आ रहे हैं बाबा जी। राधे 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 राधे। आओ ना ना। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। शाम में राधे। हम पहुंच गए खाटू धाम। जन्माष्टमी भी है, बड़े ही पावन उत्सव पे हम यहाँ पहुंचे। हाँ से आप एंट्री करते हैं मंदिर के लिए। ये पहले ये रास्ता हुआ करता था जैसे आप हमारे सामने देख रहे हैं। अच्छा। जब से ये ग्यारस पे हादसा हुआ था जिसमें तीन जो महिलाएं थी उनकी डेथ हो गई थी, जिस हिसाब से प्रशासन जागा है उसके बिहार पे उन्होंने रास्ते को चेंज करके ये नया रास्ता सीधा खाटू श्याम जी के द्वार पे बनाया गया। चलो ये तो अच्छा किया। जो जाते थे इसी मार्ग से होते हुए जाते। अच्छा, यहाँ भगदड़ मच जाती थी। जल्दी जल्दी हुआ है तीन महिला विशेष प्रशासन जाग से। और उन्होंने थोड़ी सी सतर्कता बताई गई है। इसके अंदर हर जगह पे आपने देखा होगा मोड़ पे पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं। विशेष के कोई मतलब भीड़ भाड़ ना हो, तो जहाँ भी आए आप पूरा देख के आए, तसली से आए, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। और अपना जूते चप्पल जो भी है आप अपने अनुसार सुविधा हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक। बाकी ये है, बाकी अभी थोड़ी देर में आप बाबा आपके सामने नजर आएंगे। ठीक। जय श्याम। जय श्याम। आज गाइस जन्माष्टमी है तो थोड़ी भीड़ है। देखिए हमारा नंबर कब आता है। गाइस हम लाइन में लगे हैं।
ये पुन जाने का रास्ता है, यहाँ से है थोड़ा। बहुत ही पवित्र कुंड माना जाता है ये, श्री श्याम बाबा जी का कुंड है, जहाँ लोग नहाते हैं और सबके पाप धुल जाते हैं ऐसा बोला जाता है। अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर देखिए एक बार यह है कुंड, ये देखिए जो बिल्कुल सूखता जा रहा है, पहले यहाँ तक आते मतलब पूरा भरता थे, बहुत गंदा भी कर दिया कैसे, पानी कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा पानी था यहाँ पे, स्टेज तक आता था, यहाँ तक आता था, स्टेज भी पूरा था। दर्शन तो हो गए हमारे, बट सही से पास से वाले दर्शन नहीं हुए, बट हो गए। कड़ी कचौड़ी, कड़ी से ये कचौड़ी मत करना, मिर्ची का पकौड़ा करना, कड़ी से देना। ये 25 रुपए की प्लेट है, जो राजस्थान की फेमस डिश है, खा के देखते कैसी है। पाटूसाम जी की फेमस कचौड़ी जो कि काफी फेमस है, और आप खाते हुए बताएंगे। हाँ, जो उसका खट्टापन है, हाँ। जैसे कि आप जानते हैं गांव वगैरह में दही दूध छाछ सब एक में मिलता है, जो साथ से चीज़ें खाई जाती हैं। बढ़िया, चलिए हम भी टेस्ट करते हैं। गाइस, हमने कर लिए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन, और ये अब हम आए हैं भैरू मोड़, और हम जा रहे हैं रिंगस वाले भैरू जी के मंदिर। तो चलिए आपको भी कराते हैं दर्शन। गाइस, अगर आपको कुछ अच्छा खाना खाना है तो आप सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। हाँ, खाना अच्छा है, बट अभी हमारे पेट में जगह नहीं है, हमने कड़ी कचौड़ी खा ली है, फिर गोलगप्पे भी खा लिए, खाते खाते ही जा रहे हैं, तो हमें अभी नहीं खाना है, अभी हमें करने हैं दर्शन। वो रहा भैया जी, हमारा भर रहे हैं पानी। ये भैरू जी मंदिर का गेट है, बस 200 मीटर है यहाँ से। चलिए, जय भैरू बाबा। नमस्कार जी, ये है भैरू मंदिर, सामने जो आप देख रहे हो। हम खाटू श्याम जी से जल्दी फ्री हो गए थे, अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम मंदिर के रास्ते में पड़ता है, हम लिंगस उतरे थे, लिंगस के लिए। जय भैरू बाबा।
ये है स्नान घर और ये है मंदिर। तो दिखाते हैं आपको अंदर से। Yeah.